One class, one TV channel, program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. शिक्षा पाई रेकॉर्ड 1.4 लाख कोटी रा आवंटन। शिक्षा मोदी का बड़ा प्राथमिकता। देशर भविष्य गढ़ी हेबो क्लासरूम रु। शिक्षा और दक्षता विकास देश विकास रा चाबी काठी। युग बदलुची नुआ टेक्नोलॉजी नुआ रास्ता देखाउची। कोरोना रो आह्वान समय रे टेक्नोलॉजी देची मनीष को नुआ राहा। खाली श्रेणी गृह नुहे घरे बसी होई पारिबो सुंदर भविष्य नक्शा। आरंभ हेब पीएमई विद्या कार्यक्रम। वन क्लास वन टीवी चैनल टीवी जरिया रे हेब पिलांको पाठपढ़ा। विश्वस्तरीय डिजिटल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा। स्किल बेस्ड शिक्षा प्रदान उपरे गुरुत्व। स्कूल पिलांको पई आरंभ हेबाकु जाउची पीएमई विद्या कार्यक्रम। प्रथम रु द्वादश श्रेणी पिलांको पाठपढ़ा टीवी जरिया रे हेब। कोविड महामारी समय रे स्कूल बंद हेतु ग्रामांचल तथा पछुआ वर्गर छात्र माने बहु असुविधार सम्मुखीन होइछंती। एहाकु आखि आगरे रखी एबे गोटिए क्लास गोटिए टीवी चैनल को 12 रु वृद्धि करा जाय 200 करा जीव। एही चैनल रे आंचलिक भाषा रे पिलांकर पाठपढ़ा हेबो। देश रे प्रतिष्ठा हेबो डिजिटल विश्वविद्यालय। विज्ञान और गणित 750 टी वर्चुअल प्रयोगशाला स्थापित हेबो। लोकसभा रे बजेट उपस्थापन बेले एने बड़ घोषणा करिछंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। दिस विल एनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लासेस 1 and 1 to 12। एति सहित देश रे 2 लाख अत्याधुनिक अंगनवाड़ी केंद्र तैयारी हेबो। स्कूल रे डिजिटलाइजेशन को नहीं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आरंभ हेबो। शिक्षक मानंकु उन्नत डिजिटल उपकरण प्रदान करा जीव जहां फलरे से माने छात्र मानंकु आधुनिक डिजिटल मेथड रे शिक्षित करि परिबे। यहां व्यतीत आईटीआई पिलांकु ड्रोन ट्रेनिंग दिया जीव बोली लोकसभा रे केंद्र अर्थमंत्री घोषणा करिसंती। प्रतिष्ठा हेबाकु जाउतिबा डिजिटल विश्वविद्यालय रा पाठ्यक्रम आईसी फॉर्मेट रे उपलब्ध हेबो। अ डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री for world class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. So abhi 2 saal ka jo loss hua hai bachcho ko especially government schools and you know jo to less privileged areas hain वहाँ पे आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे वी कैन रीच आउट टू देम। सो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सके आएगी वाइडर रीच हो जाएगा। सो एटलीस्ट यू नो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि जो यंग बच्चे जो हैं उनका जो एजुकेशन लॉस हुआ है उसको कैसा मेकअप किया जाए। सो इन दैट डायरेक्शन आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। सो इस हिसाब से बहुत अच्छा यू नो स्किलिंग प्रोग्राम एवं शिल्प क्षेत्र रे नियुक्ति को प्रोत्साहित करबा पई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और शिक्षा दान उपरे गुरुत्व दिया जीव। युवक मानक पई रोजगार क्षमता बढ़ाइबा दिगरे सरकारी प्रकल्प संख्या वृद्धि करबा को मध्य बजेट अधीन रे निष्पत्ति निया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज़।